हाय फ्रेंड, आज हमारे पास है मिसुबिशी इलेक्ट्रिक का इंडोर यूनिट। इसका कूलिंग कॉइल लीकेज है, तो हम इसका कूलिंग कॉइल चेंज करने वाले हैं, नया कॉइल डालेंगे। आज हम आपको दिखाएंगे इसका कॉइल कैसे निकालते हैं। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो हम इसका ग्रिल पहले खोलेंगे, इसको सर्विस भी करना पड़ेगा। देख सकते हैं इसमें कितना डस्ट है फिल्टर पर। इसमें दो स्क्रू आता है नीचे के साइड, दोनों स्क्रू इसका खोलेंगे। इसका ग्रिल खुल गया, इसका कॉइल लीकेज है। तो कॉइल क्या है, नया डालने का है। कस्टमर बोला कि मुझे नया कॉइल भी चाहिए, इसलिए हम इसको इसमें नया कॉइल लगाएंगे। इसको निकालते कैसे कूलिंग कॉइल को ये भी दिखाएंगे, और फिटिंग करके भी आपको दिखाएंगे। कॉइल खोलने के लिए हमको पीसीबी भी खोल के निकालना पड़ता है। इसका पीसीबी है, किसी भी खुल गया। इसका ड्रेन ट्रे है, इसको भी निकालना ही पड़ता है। ये कॉइल, ये इधर कॉइल सेंसर है, इसको भी निकालेंगे। ये पीसी भी अपना बाहर हो गया। इधर तीन स्क्रू है, इसको भी खोलेंगे। ये इधर का खुल गया, देख सकते हैं। इधर का खुलने वाला हम इधर का खोलेंगे। देखिए मोटर खोलना पड़ेगा हमें। इसका क्या है, मोटर के नीचे इसका पाइप दिया हुआ है,
कूलिंग कॉइल का, इसलिए मोटर को पहले खोल के हमें निकालना पड़ेगा। देखिए ये पूरा साथ में निकलता है अपना मोटर, मोटर निकलेगा, मोटर के नीचे इसका जो पाइप है आउट इन वाला बाहर जो गया है कनेक्शन के लिए पाइप में, ये मोटर के नीचे रहता है, तो हमें मोटर खोलना पड़ेगा। मोटर खोलने के बाद इसको बाहर लेना पड़ेगा, फिर ये निकलेगा क्वाइल। अभी ये देख सकते हैं यहाँ पे दो लॉक है अंदर, ये लॉक को हम लॉक से बाहर निकालेंगे। ये लॉक से बाहर आ गया, ये देख सकते हैं ये आसानी से बाहर आ जाएगा। ये कॉइल बीच में लीकेज है, इस वजह से कस्टमर बोला कि हमें नया कॉइल चाहिए, तब ये कॉइल ले जाकर हम कर देंगे नया बनने के लिए सैंपल, तो नया बना के देगा तो फिर हम इसमें नया कॉइल फिट करेंगे। नया कॉइल फिटिंग करते हुए आपको दिखाएंगे कि नया कॉइल कैसे फिटिंग होता है। ये हमारा जूना कॉइल है, ये इसका ब्लोअर है, ये इंदौर का। तो कभी भी पहले आप पीसीबी खोले, पीसीबी खोलने के बाद ये मोटर खोले, मोटर में तीन स्क्रू रहता है साइड में, तीन स्क्रू खोल के इसको बाहर के, तीन स्क्रू खोलने के बाद ब्लोअर का नट खोले, नट खोलने के बाद इसको बाहर निकाले, बाहर निकालने के बाद ही ये अपना कॉइल निकलता है। तो ऐसे ये खुलता है फिर।